काम हो ना हो प्रचार जरूरी है, आखिर प्रचार ही तो वोट दिलाता है। भले नींव भी ना रखी हो, फीता जरूर काट दो, चुनावों बाद कौन पूछने वाला है। सत्ताधारी इसी राह पर चल रहे हैं, आचार संहिता की हाट से ही फीता काटने की बाढ़ आ गई है। बिजनौर में तो मंत्री ने उधार की गाड़ियों का उद्घाटन कर दिया और फीता काटते ही डायल 100 की गाड़ियां ऐसे गायब हो गईं जैसे गधे के सिर से सींग। फीता काटने के लिए कुछ भी करेंगे, काम हुआ नहीं, फीता कट ही गया। उधार की गाड़ियों पर डायल 100, फोटो के लिए फीता काटने की होड़। सीएम की महत्वाकांक्षी योजना है डायल 100। बिजनौर में भी योजना का फीता काटा गया। वैसे भी आजकल फीता काटने की रफ्तार उतनी ही है जितनी रफ्तार से तो 100 नंबर डायल करने पर पुलिस भी नहीं आती। सीएम अखिलेश भी तो यही कह रहे हैं, आचार संहिता से पहले फीता काट ले, काम होता रहेगा। जो लोग कह रहे हैं घोषणा, हम लोग योजनाएं क्यों आधी अधूरी उद्घाटन कर रहे हैं, बताओ 80% योजना पूरी हो जाए, 90% योजना पूरी हो जाए तो उद्घाटन नहीं करेंगे? और उद्घाटन क्यों ना करें हम लोग? अभी तो 3 महीना सरकार और चलेगी मार्च तक, जब तक चुनाव नहीं है, और फिर ये काम पूरा करके दूसरा काम भी तो हमें ही शुरू करना है। मामला बिजनौर का, मंत्री मूलचंद चौहान ने डायल 100 योजना का उद्घाटन किया, बाद में पता चला कि ये गाड़ियां ही उधार की थी, यानी बिजनौर को कुछ मिला ही नहीं। फीता कटने की फोटोग्राफी जरूर हो गई। 20 तारीख तक हमारी 75 गाड़ी बिजनौर के अंदर आ जाएगी। नहीं बताया जा रहा है जो गाड़ी जो गई है ये संभल की हैं, अभी बिजनौर में ऑपरेशन गाड़ी नहीं आई है यहाँ। ये ट्रायल आज प्रारंभ हो गया है, ये ट्रायल के लिए आई है और 26 तारीख से पूरी 75 गाड़ी हमारे जनपद में उसकी शुरुआत हो जाएगी। मतलब आचार संहिता के डर? नहीं, वो तो नहीं, कोई डर आचार संहिता का नहीं, लगातार हमारा बराबर काम हो रहा। आचार संहिता की आहट ने अचानक से रफ्तार बढ़ा दी है उद्घाटन और शिलान्यास की, और फीता कटने की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। फीता कटना अच्छी बात है, लेकिन पता चले कि ये तो हवाबाजी है, बस फीता कट रहा है, मिल कुछ नहीं रहा। डायल 100 की गाड़ियां संभल से मंगाई गईं और वापस भेज दी गई। नई गाड़ियां जो वहाँ से आई हैं, जो कुछ जगहों से उसको एडजस्ट करके गाड़ियां मंगवाई गई ताकि हमारे कर्मचारी ठीक तरीके से ट्रेन हो और 26 तारीख से पूरे तरीके से साथ में ट्रेनिंग के साथ जनपद फर्जी फीता काटने की होड़ में सियासतदान जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इससे जनता को लाभ क्या होगा? क्या सिर्फ 2017 को साधने के लिए यह सब कुछ हो रहा है? बिजनौर से समाचार प्लस के लिए अरशद जैदी की रिपोर्ट।